कह रहा है कि ये एक्सपीरियंस जो मैं आईसीयू में निकल के आया हूँ, ये एक्सपीरियंस इतना डरावना एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत डर लगता है। सो बिल्कुल स्ट्रेस, इसमें फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स को उसका स्ट्रेस को बहुत कम करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है इस डिसऑर्डर में। वो इतना एक्साइटेड था, उसने कहा क्या मेरा अभी प्लाज्मा लिया जा सकता है। मैंने कहा अभी तुम्हें 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी वेट करो। कह रहे मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ ताकि और कोई ऐसे सफर ना। बिल्कुल तो ये बहुत ही ड्रामेटिक डिजीज है जिसमें हार्ट के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, ना कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन का बट और एंग्जाइटी और डिप्रेशन और हार्ट रेट गोइंग अप। हार्ट रेट कईयों का 110 120 होता है जब वो आते हैं, और उनको पता नहीं, और हम ढूंढते रहते हैं कोई कॉज नहीं मिलता। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है हम जो गुजर रहे हैं, तो डॉक्टर बट बलबीर, अच्छी इसका बात यह है कि समाधान क्या मेजोरिटी। है अगर एंग्जाइटी हो रही है और मानसिक रूप से परेशानी का सामना भी तमाम न सिर्फ मरीज बल्कि उनके परिजन भी कर रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में जो स्थिति है या अस्पतालों के बाहर भी हम सब देख पा रहे हैं कि किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं इलाज के लिए। ऐसे में क्या करे वो व्यक्ति जिसको इस तरह की फीलिंग आ रही है या फिर उसको डर लग रहा है कि हाँ मैं इसका शिकार हो सकता हूं। तो उसके लिए बेस्ट है कि फैमिली को काउंसिल करना, बिकॉज फैमिली मेंबर्स उसके साथ कोर हैं जो उसकी एंजाइटी को खत्म कर सकते। उसको हम दवाइयां दे सकते हैं जो उसकी एंजाइटी को कम करें, हम उसको दवाइयां दे सकते हैं अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ। बट इट्स वेरी कॉमन, बहुत कॉमन हो रहा है। वो कह रहे मैं कभी ब्लड प्रेशर नहीं था, अभी मेरा ब्लड प्रेशर शुरू हो गया। ये सब स्ट्रेस के इफेक्ट्स हैं। स्ट्रेस से हार्ट की पंपिंग भी वीक हो सकती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिड्यूस कार्डियोमायोपैथी। तो ये स्ट्रेस और इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज है, साइटोकिन स्टॉर्म है, बहुत हार्ट के ऊपर नुकसान करता है। वायरस डायरेक्टली हार्ट के अंदर नहीं जाता, बट उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है और सडन डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात कही आपने, और दिल का संबंध सीधे दिमाग से है। अगर बहुत सारी बातें या परेशानियां दिमाग में चलेंगी तो यकीनन उसका असर बाकी हिस्सों पर भी होगा। इसी वजह से स्ट्रेस का जिक्र यहां पर डॉक्टर बलबीर बार बार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आप बचें बहुत ज्यादा जरूरी है, और खुद को दिमाग में इस तरह की मजबूती दें कि कोई भी बीमारी हो उसका सामना करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। सकारात्मक सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यकीनन इन तमाम बीमारियों को आप तुरंत मात दे सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बार फिर से डॉक्टर अशोक सेठ, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, खासतौर से ये जो कोरोना की दूसरी वेव सामने आई है और अब तो तीसरी के लिए भी अलग अलग चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि बच्चों पर भी बच्चों को ये जल्दी चपेट में लेगा, उनके ऊपर ज्यादा इसका असर पड़ेगा, इसके वजह से मानसिक परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में सब खुद को हेल्दी रखने के लिए खासतौर से जिस टॉपिक को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या खान पान में भी कुछ ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे हम अपने दिल को अपने हार्ट को मजबूत रख पाए, उसको पूरी तरह से हेल्दी रख पाए? सो इसमें आपने दो चीज़ें पूछी हैं, और पहले तो मैं उसको भी थोड़ा एड्रेस करना चाहता हूँ जो आपने बताया कि 50% लोग जो डिस्चार्ज हो रहे हैं जी उनको ऑक्सफर्ड की स्टडी में देखा गया कि इफेक्टेड है। मैं जो समझाना चाहता हूँ कि ये स्टडीज हुई हैं कि 50 से 75% लोग के हार्ट इफेक्टेड हैं, राइट, बट वो हम अगर MRI करें तो थोड़ी सी सोजश मिलेगी। जो रेलिवेंट बात है कि कितनों को ऐसा इफेक्ट होता है कि हार्ट को परमानेंट डैमेज हो जाए, वो ऐसे भी पेशेंट्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कोरोना के व्यक्ति डिस्चार्ज होने के बाद अगर वो कहता है कि जी हमें छाती में दर्द हो रहा है, चलने में हमें तकलीफ होती है, या मेरी दिल की धड़कन तेज रहती है, या मैं अच्छा नहीं फील करता हूँ, तो क्लियर हमारा प्रोटोकॉल है कि हम उसका एक ECG और इको करते हैं पहले महीने, देखने के लिए कि हार्ट में कोई डैमेज है कि नहीं, स्पेशली मोर सो यंगर लोगों का। और फिर 3 महीने में एक और ECG इको करते कि कोई ऐसा डैमेज जो कि इन्फ्लेमेशन जो दिखी थी, जो आपने कहा कि 50% लोगों में थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन दिखती, उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ है कि नहीं। और अगर हम देखते हैं कि 3 महीने तक हार्ट बिल्कुल स्वस्थ रह रहा है तो इसका मतलब वो उसके बाद नहीं डैमेज होगा। तो पहली बात ये है कहने की। सेकेंडली, किसको कैसे रहना चाहिए? तो हम पेशेंट जब डिस्चार्ज होते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि आप मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करो, कोई सिवियर एक्सरसाइज ना करो।